तरीके से पराठा बनाएंगे ना, एकदम फूलेगा भी और कप प्लेट फिनिश हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बबीता। स्वागत है आपका बबीता किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो पराठा रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का एक डो तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप आटा ले रही हूँ। आप यहाँ पे 1 कप आटा या फिर 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। अब 2 कप आटे में 2 टेबलस्पून हम सूजी ऐड कर लेंगे। सूजी डालने से हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। साथ में 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। अब हम सारी चीजों को हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका डो एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है और एकदम टाइट भी नहीं बनाना है। जैसे हमको पूरियों के लिए आटा लगाना होता है, तो उसी तरीके का आटा हम इसको लगा लेते हैं। और पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा लग गया है। ये देखिए, अब हम इसे ढक के कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं और हम चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब हम पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन रख लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल रखा है। इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डाल देते हैं। और जीरा जब चटकने लगे, तो उसके बाद हम अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने अदरक और हरी मिर्च को इस शेप में कट किया है, थोड़ा रफली चॉप किया है मैंने। 2 मैंने हरी मिर्च ली थी और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। तो अब इन्हें 1 मिनट ऐसे भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप प्याज, जिसे मैंने एकदम फाइन चॉप किया था। और अब इसे 2 मिनट भून लेते हैं ताकि इसका सारा कच्चापन जो है वो निकल जाए। अगर आप प्याज लाइक नहीं करते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब प्याज को 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें गजब का टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच मैगी मसाला, 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। अब सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट भून लेते हैं ताकि सारे मसाले एकदम अच्छे से भून जाएं और इनका टेस्ट गजब का आ जाए। मसाले भी अच्छे से भून लिए हैं, गजब की खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पत्ता गोभी, इसे भी मैंने एकदम चॉप कर लिया था। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप गाजर, चॉप कर लिया था। और 1/2 कप में शिमला मिर्च डाल रही हूँ। मैंने तीनों चीजें एकदम फाइन चॉप करी हैं। अब तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप एकदम फाइन चॉप नहीं कर पाते हैं, तो आप ग्रेटर की मदद से भी इन्हें ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर आपके पास चॉपर है तो आप उसे चॉप कर लीजिए। एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। अब इन्हें हम 3 मिनट ऐसे पका लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख भी सकते हैं ये एकदम अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू सेम क्वांटिटी में। अगर आप यहाँ पे सब्जियां कम डालना चाहो, तो आलू का इस्तेमाल चाहता भी कर सकते हैं। और आलू डाल के बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा और ये अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अच्छे से फैला लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और
तब तक चलते हैं हम अगली प्रोसेस की ओर। अब आटा चेक कर लेते हैं। आटे को भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं और एकदम सॉफ्ट हो गया है, बढ़िया सा। ये देखिए, इसमें जो सूजी डाली थी ना, वो एकदम अच्छे से फूल गई है। और अब हम इसके फटाफट से पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए, इसे प्लेट में रख देते हैं और सारे हम इसी तरीके से बना लेते हैं। अब हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए तब तक ढक्कन मार के रख देते हैं जिससे कि ये पेड़े सूखेंगे नहीं। अब हमारी स्टफिंग भी एकदम ठंडी हो गई है, तो हम इसमें 100 ग्राम पनीर ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे पनीर ग्रेट करना ऑप्शनल है, आप चाहो तो करिए वरना रहने दीजिए। हम तो ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों को तो पनीर पसंद ही होता है, तो क्यों ना हम इसमें पनीर डाल दें। और बच्चे भी जब स्कूल को टिफिन ले जाएंगे ना, तो पूरा खत्म ही करके आएंगे। फटाफट से सारा पनीर इसमें ग्रेट कर लेते हैं। अब स्टफिंग को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर को आप एकदम स्टफिंग को ठंडा करके ही डालें। ये देखिए, अब हमारी स्टफिंग भी एकदम अच्छे से तैयार है, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने प्लेट में यहाँ पे मैदा लिया है, इसे मैं इसे डस्ट कर लूंगी एकदम अच्छे से। यहाँ पे आप आटे का यूज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा मैदे का यूज कर रही हूँ। और अब इसे हम बेल लेते हैं। नॉर्मली जैसे हम और रोटी बेलते हैं, उसी तरीके से इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, रोटी हमने बेल ली है। अब इसके बीच में हम स्टफिंग भरेंगे, इस तरीके से इसको फैला भी देंगे, ऐसे स्क्वायर शेप में भरेंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो ये वाली रोटी है इसको इसके ऊपर से ऐसे रख देना है, इस तरीके से इसको नीचे को ऐसे छुपा लेना है। और इसमें हम हल्का सा पानी लगा लेंगे, बस हल्का सा, जिससे कि ये एकदम चिपक जाए। अब सेम दूसरी रोटी का जो हिस्सा है उसको भी इसके ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे, ये देखिए, ताकि ये दोनों एकदम अच्छे से चिपक जाए। और साइड में भी हम हल्का हल्का सा पानी लगा लेते हैं और इन्हें भी हम ऊपर को फोल्ड कर देंगे, एकदम अच्छे से चिपका लेंगे दोनों साइड से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा डस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इस साइड भी कर लेते हैं। और इसे हम एकदम हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेंगे, ज्यादा नहीं बेलना है और हाथ को एकदम हल्का रखना है, हल्के हाथ से इसे बेल लेना है। ये देखिए, नहीं तो ये फट जाएगा, ध्यान रखिए आपको एकदम हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए, अब ये बन गया है, तो इसे हम तवे में रखते हैं। जिस साइड हमने चिपकाया है वही साइड हम नीचे के साइड रख के इसको तवे में डाल देते हैं। अब गैस पे तवा रख दिया है और तवे को हम एकदम अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब हम इसे तवे में रखते हैं और गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं और इसे अच्छे से एक साइड सिकने देते हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। अगर आप भी मेरी तरह एकदम फुले फुले पराठे खाना पसंद करते हैं, तो आप अभी से इसमें घी या ऑयल कुछ भी मत लगाइए, इसे ऐसे ही थोड़ी देर तक पलटते पलटते रहिए, जब तक ये अच्छे से कुछ सीख नहीं जाता। ये देखिए कैसे फूल गया है हमारा पराठा, इसे पलट लेते हैं। अब मैं इसमें घी लगाऊंगी क्योंकि अच्छे से फूल गया है, तो मैं तो यहाँ पे प्योर घर का घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है पराठा हमारा, दोनों साइड घी लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से आप भी पराठा बनाइए और आपके पराठे एकदम क्रिस्पी भी बनेंगे और एकदम अच्छे से फूलेंगे भी। मुझे तो इसी तरीके के फूले फूले पराठे पसंद है। पलट लेते हैं अब हल्का,
ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्प हो गया है बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। ये लीजिए, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या सुबह के नाश्ते में बनाएं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब मैं आपको एक पराठा दिखाती हूँ, इस तरीके से इसके अंदर की स्टफिंग मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से इसकी स्टफिंग हुई है, आप देख सकते हैं, और खाने में भी बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस हो रखा है ये। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।